स्टूडेंट्स, हमने वेग का फॉर्मूला पढ़ा था और वेग का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारा था v सदिश बराबर vx i कैप प्लस vy j कैप। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। हमने लिमिट वाला भी पढ़ा था कि लिमिट अपन कैसे लेते हैं। लिमिट जो ली जाती है उसमें समयांतरण जो है उसको धीरे धीरे कम किया जाता है और शून्य की ओर अग्रसर किया जाता है। ये बात मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन इसको ग्राफ के माध्यम से देखिए कैसे समझाया हुआ है। इसमें अपन बहुत सारे ग्राफ समयांतराल को कम करके हम बहुत सारे आरेख ले सकते हैं कि जैसे ये एक प्रारंभिक स्थिति वाला सदिश है, ए बिंदु पर है और ये आर वन पोजिशन है, स्थिति सदिश पहली पोजिशन, ठीक है। और ये जो परिवर्तन है, विस्थापन है, ये डेल्टा आर है किसी भी गति के लिए, किसी भी दिशा की गति के लिए। जैसा कि दिखाया हुआ है इस प्रकार की गति है, मान कोई भी गति इस प्रकार की है, इसमें इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है ये वेग की दिशा को व्यक्त करता है। वेग की दिशा इस वक्र पर, ये वक्र क्या है, किसी भी कण का पथ। कोई भी कण जिस पथ पर गति कर रहा है वो पथ मान लो ये, ठीक है। और इसका जो अंतराल है, यहां से ये पहली पोजीशन ए बिंदु, ये दूसरी पोजीशन बी बिंदु, ये आरेख अपन पढ़ चुके विस्थापन वाले में, है ना। और यहां अपन ने लिया था डेल्टा आर, ये परिवर्तन है, स्थिति में परिवर्तन जिसको अपन विस्थापन कहते हैं, ये विस्थापन है। और ये कण का पथ है, इस पथ पर खींची गई ये जो स्पर्श रेखा है ये वेग की दिशा को व्यक्त कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समयांतराल को कम करना है। समयांतराल जब अपन कम करेंगे तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम दूसरा आरेख कैसे बना सकते हैं, देखिए ये जो विस्थापन अपन ने लिया है इसको हम थोड़ा कम कर देंगे। तो प्राथमिक पोजिशन में तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, ये तो पहली पोजिशन ए वाली पोजिशन है, ठीक है। दूसरी वाली पोजिशन को आपको थोड़ा सा निकट लाना है, आपको थोड़ा नजदीक लाना है। ये जो डेल्टा आर विस्थापन है इसको थोड़ा कम करना है, अर्थात हमने डेल्टा टी समय को जीरो की ओर अग्रसर कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा आर का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो हमारा पथ है, पथ तो वही है और उस पर खींची की जो स्पर्श रेखा है वो भी वेग की दिशा को व्यक्त कर रहा है, वो भी चेंज नहीं हुआ, वेग की दिशा भी वही है, उसी तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त हो रहा है। और कण के पथ पर खींची की स्पर्श रेखा ही है। अब धीरे धीरे अगर अपन ये मान लो आर टू, हमने दूसरी पोजिशन ले रखी है, दूसरी स्थिति ले ली, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 8 बजे शुरू करते हैं अपन और 8 से 8:30 के बीच का जो अंतराल है वो अपन देखते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्थापन धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि समय भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम समय के लिए विस्थापन भी कम होगा। इसी तरह इसको अपन थोड़ा और नजदीक ले लें, तो ये प्राथमिक पोजीशन है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना आपको, ये तो पहली पोजीशन ए वाली पोजीशन है। और इसको हम थोड़ा और नजदीक ले आते हैं, ये आर थ्री। अब जो डेल्टा आर है ये इतना सा हो गया, देखो डेल्टा आर कम हो गया, ये डेल्टा आर है, लेकिन कण का पथ वही है और इस पर खींची की स्पर्श रेखा की दिशा भी वही है, वेग की दिशा भी वही है, ठीक है। तो अंततः क्या होगा कि ये जो आर टू और ये थ्री और ये वन, ये पहली पोजीशन के लिए लिया, ये दूसरी पोजीशन के लिए और ये तीसरी पोजीशन के लिए। अब एंड में क्या होगा कि जब एकदम ही अंतराल कम हो गया तब क्या होगा कि इस आर पर ये स्थिति सदिश आर है प्राथमिक पोजिशन के लिए, ये प्राथमिक पोजिशन के लिए स्थिति सदिश आर है। एंड में क्या होगा कि जब टी टेंस टू जीरो हो जाएगा उस स्थिति में जो आर थ्री है वो आर पर ही आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे अपन कम करेगा। देखो ये जो आर वन है ये कितनी दूरी पर है, आर टू थोड़ा नजदीक आया क्योंकि समय अंतराल कम हो रहा है, आर थ्री और नजदीक आया क्योंकि समय अंतराल और कम हो गया। और एंड में क्या होगा, ये वाली जो रेखा है, जो दूसरी पोजीशन वाली रेखा है, ये पहली पोजीशन वाली रेखा पर ही आ जाती है, ठीक है। ये लिमिट को समझाया हुआ है,
मैंने आपको प्रैक्टिकली वैसे बताया कि अपन 8 बजे ले रहे हैं, फिर अपन 8:30 तक लेना है हमें, हमें एग्जैक्ट 8:30 बजे एग्जैक्ट हमें वेग ज्ञात करना है, ठीक है। और इसको आरेख द्वारा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये वही वेग की दिशा और ये आर। बात समझ में आ गई सबके? तो आरेख द्वारा अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब इस समीकरण एक हम इसको दे देंगे, इस समीकरण एक से हमें परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण मैंने आपको बताया था जब अपन ने वियोजन पढ़ा था, आपको याद होगा ए सदिश बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप पढ़ा था ना, उसमें मैंने आपको परिमाण बताया था, साइन और कोस निकाला था, याद होगा, वर्ग किया था फिर उनको जोड़ा था, निकाला था ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, आई कैप का गुणांक, आई कैप किसके साथ गुणा किया हुआ है, वी एक्स के साथ, जे कैप किसके साथ गुणा किया हुआ है, वी वाई के साथ। तो यहाँ परिमाण क्या होगा, वेग का परिमाण। ये आरेख एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये आपको लिमिट के बारे में समझाया हुआ है कि लिमिट अपन कैसे लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये आरेख नहीं पूछे जाते, ये एक्स और वाई के मध्य आरेख है, दो अक्ष ले रखिए एक्स और वाई, एक तल लेंगे पूरा। वेग का परिमाण क्या हो जाएगा, वी बराबर अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। ये परिमाण ज्ञात हो गया, ये तो क्या है, सदिश, ये क्या है, परिमाण। परिमाण के ऊपर आप सदिश नहीं लगाओगे, परिमाण पर सदिश नहीं लगता, यहाँ स्क्वायर आ गया तो किसी भी सदिश का स्क्वायर हो जाता है तब भी सदिश का चिन्ह नहीं लगता, तो इस पर भी सदिश नहीं लगाओगे और इस पर भी सदिश नहीं लगाना, क्लियर। अब हम इसकी दिशा भी लेंगे, और दिशा लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा का उपयोग किया जाता है। जब भी अपन दिशा याद करेंगे तो कौन सा कोण याद करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा ही क्यों याद करेंगे, क्योंकि टेन थीटा में लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब बटे आधार होता है ना टेन थीटा, और उसी से हम दिशा का ज्ञान करते हैं। तो यहाँ दिशा जो आएगी, वेग की दिशा, वो आएगी टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है वी वाई बटा वी एक्स, वी वाई बटा वी एक्स, क्योंकि वाई घटक होगा वो क्या होगा, लंब होगा, और एक्स घटक कौन सा होगा, आधार। यहीं पर अगर अपन देखें, यहाँ पर भी अगर अपन त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बनाए तो ऐसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा त्रिभुज बनेगा, इसमें ये क्या होगा वाई, वी वाई, और ये क्या होगा वी एक्स, ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये वेग का सदिश है, ये वेग का परिमाण है, और ये वेग की दिशा, ठीक है। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है त्वरण। जैसा अपन ने विस्थापन से वेग ज्ञात किया, वैसे ही हम वेग से त्वरण ज्ञात करें। सबसे पहले अपन औसत त्वरण लेंगे, त्वरण में त्वरण परिभाषा आपको बताई है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये है ना परिभाषा। अब यहां पर त्वरण में हमें पहले लेना है औसत त्वरण, कौन सा त्वरण, औसत त्वरण, औसत, औसत वही है यहाँ पर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत निकालना, ठीक है ना। यहाँ पर औसत त्वरण लेना है, तो औसत त्वरण में क्या जाएगा, वेग में परिवर्तन तथा उस वेग में परिवर्तन में लगा समय, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसे अपन क्या कहेंगे, औसत त्वरण। और औसत त्वरण का सिंबल क्या है, औसत त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं, बार से। जैसे अपन ने औसत वेग पर वी बार लगाया था ना, वैसे ही औसत त्वरण पर ए बार लगेगा, ठीक है। और वैसा ही हमारा सूत्र आ जाएगा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी,
ये वेग में परिवर्तन और ये समय में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और संगत समय में परिवर्तन के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वेग में परिवर्तन व संगत समयांतराल, संगत समयांतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण कहते हैं। और तात्क्षणिक त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, हमें अगर तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट लेते हैं। लिमिट के द्वारा तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक वेग ज्ञात किए जाते हैं। अगर हम औसत मान को, औसत मान का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन ने औसत वेग निकाला, तो औसत वेग का हमने जब लिमिट ली तो तात्क्षणिक वेग निकला निकला ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर औसत जो त्वरण है उसका हम लिमिट लेंगे तो क्या जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होगा। अर्थात जो औसत वेग का सीमांत मान है उसको बोलते हैं सीमांत मान, सीमा का मान, एकदम किनारे पर जो आता है। औसत वेग का जो सीमांत मान है उसको अपन तात्क्षणिक मान कहते हैं, चाहे वो वेग है चाहे वो त्वरण हो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक त्वरण त्वरण के सीमांत मान को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। जैसे ये हमारा औसत मान है, इस औसत मान का अपन लिमिट ले लें तो क्या जाएगा, एक सदिश, ये तात्क्षणिक मान है, इसके ऊपर बार नहीं लगाया ना, नहीं लगाया ना इसके ऊपर बार, ये कौन सा मान है, तात्क्षणिक मान है। तात्क्षणिक त्वरण को हम व्यक्त करते हैं ए बार से, ए बार ए सदिश है, ठीक है, बार लगाया जाता है औसत त्वरण पर। यह जाएगा लिमिट एल आई एम डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर है, और ये औसत मान, ठीक है, औसत मान का हमने क्या ले लिया, लिमिट ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा, तात्क्षणिक मान प्राप्त होगा। ये एक व्यापक सूत्र है और सबके लिए है, वेग के लिए भी यही है। और किसी भी राशि का औसत मान अगर हमारे पास में है तो हम क्या करेंगे, उसकी लिमिट ले लेंगे, और लिमिट लेकर हम तात्क्षणिक मान ज्ञात कर लेंगे, चाहे वो वेग हो चाहे वो त्वरण। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें जैसे अपन वेग का सूत्र ज्ञात किया वैसे अपन त्वरण का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो ए बार बराबर, बार है मतलब हम औसत मान ले रहे हैं, तो औसत मान के लिए क्या सूत्र है हमारे पास में, वी एक्स बटे डेल्टा टी। डेल्टा वी का मान क्या है, डेल्टा वी क्या है, औसत, डेल्टा वी क्या है, औसत वेग है ना। तो यहां पर आप लिखोगे, यहां पर वी एक्स औसत मान या डेल्टा वी एक्स ले जाते हो, डेल्टा वी एक्स बटे डेल्टा टी। आई कैप अगर आप सदिश में व्यक्त कर रहे हो तो यहाँ पर सदिश लगा दो, यहाँ आई कैप आ जाएगा, प्लस डेल्टा वी वाई बटे डेल्टा टी जे कैप। ये मैंने किसका मान लगा दिया, वी डेल्टा वी का मान लगा दिया, ये एक्स और वाई के रूप में।
वी को हमने अलग कर दिया, आप वी के ऊपर भी सदिश लगाओगे, ठीक है। और हमने एक्स का घटक अलग ले लिया और वाई का घटक हमने अलग ले लिया। अब हम यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, त्वरण लिख सकते हैं ना, डेल्टा ए लिख सकते हैं, डेल्टा ए एक्स, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा ए वाई आ जाएगा ना। तो जैसा कि अपन ने वेग में लिखा था, अब हमें इसका अगर क्या ज्ञात करना है, तात्क्षणिक मान ज्ञात करना है, तो हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे दोनों तरफ, इधर भी लेंगे और हम इधर भी लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एल आई एम डेल्टा टी, फिर तीर का चिन्ह और फिर जीरो, ये ए बार और ये तीर का चिन्ह, बराबर लिमिट एल आई एम डेल्टा टी तीर का चिन्ह जीरो, पहले ये लिख दो क्योंकि ये तो इसके बराबर है ना, डेल्टा वी एक्स डेल्टा टी आई कैप प्लस इसकी भी लिमिट ले लो, डेल्टा टी जीरो की ओर, डेल्टा वी वाई बटा डेल्टा टी, यहाँ पर फिर बार मत लगाओ, ये डेल्टा के रूप में आ गया तो बार लगाने की फिर आवश्यकता नहीं। तो ये एक्स वाला आ गया और ये वाई का आ गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिमिट के रूप में है ना, अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट लेने के बाद क्या बन जाता है, ये तात्क्षणिक मान, ये औसत मान था, औसत मान का क्या बन जाएगा, तात्क्षणिक मान बन जाएगा। तो तात्क्षणिक मान अपन देखिए कैसे निकालेंगे, ए सदिश बराबर इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ए सदिश होता है ना, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सदिश। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, ए सदिश लिख दिया। अब ये डेल्टा के रूप में, मतलब हमारे पास में ये औसत मान है, औसत मान को हमें तात्क्षणिक मान में बदलना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं डी वी एक्स बटा डी टी, डेल्टा को किस में बदल लिया, डी में, डेल्टा को किस में बदल लिया, डी में बदल लिया, प्लस डी वी वाई बटा डी टी जे के। अब ये औसत मान नहीं है, ये डेल्टा के रूप में नहीं है, ये डी के रूप में है, ये किसी क्षण का मान है, पूरा अंतराल का मान नहीं है, ठीक है ना। औसत तो मान, औसत का मतलब तो आप समझते हो ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे मान लो कोई क्लास है, सिक्स क्लास है, सेवन क्लास है, कोई भी क्लास है, उसमें जो बच्चों की एज है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे मान लो किसी की 12 साल है, किसी की 11 साल है, किसी बच्चे की 10 साल ही है, किसी की 15 साल है, ठीक है ना। ऐसे मान लो 30 बच्चे हैं, तो आपको अगर एवरेज एज ज्ञात करनी है, अगर आपको औसत आयु अगर ज्ञात करनी है, तो आप क्या करोगे, सभी बच्चों की आयु को जोड़ दोगे, 15 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 10, इन सबको क्या करोगे, जोड़ोगे। कितनी बार जोड़ोगे, जितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, जोड़ोगे ना। और फिर किसका भाग लगा दोगे, उन बच्चों की संख्या का, 20 बच्चे हैं तो 20 का भाग लगाओगे, 30 बच्चे हैं तो 30 का लगाओगे। तो ये क्या गया, इन सबको जोड़कर जब 20 या 30 का भाग लगाओगे तो ये औसत एज आ जाएगी, औसत आयु आ जाएगी। समझ आ गया ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या आप मैथ्स में पढ़ते हो औसत मान ज्ञात करना, मैथ्स में पढ़ते हो ना, ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छठी में भी होगा, सातवीं में भी होगा मैथ में। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अपन संख्या न लेकर, और यहाँ पर अपन वेग लेते हैं, यहाँ पर अपन त्वरण लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ गया, आपकी 11वीं क्लास आ गई, तो हमें थोड़ा कुछ और नया पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वो मैथ का था, उसमें केवल संख्या थी, इसमें हमारे पास में संख्या भी है और इसमें दिशा भी है। बात आ रही है ना समझ में, आपके वेग होगा, त्वरण होगा, ये सब कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं, और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो हम डेल्टा को आप इतना ध्यान रखें कि लिमिट में यहाँ डेल्टा आएगा, डी में कभी भी लिमिट नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो एल
एल आई एम डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर है, डी वी बटे डी टी ऐसा कभी नहीं होगा, ये लिखना ही गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, कभी नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि ये दार्शनिक मान है, ये औसत मान नहीं है। और लिमिट हमेशा कौन से मान के लिए जाती है? औसत मान के लिए जाती है। अब याद रहेगा, एकदम क्लियर हो गया आपके? तो यहाँ ये कौन सा मान है? दार्शनिक मान। डेल्टा वाला कौन सा मान है? औसत मान। औसत मान को अगर दार्शनिक मान में बदलना है तो क्या करोगे आप? लिमिट लोगे। एक एक बात क्लियर होगी आपकी यहाँ पर। अब यहाँ पर डी वी एक्स बटा डी टी, ये त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में। वेग में परिवर्तन कौन सी दिशा में हो रहा है? एक्स दिशा में हो रहा है। तो त्वरण भी कौन सी दिशा में आएगा? एक्स दिशा में आएगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप बटे ए वाई जे कैप। और दिशा हमने यहाँ पर साथ में व्यक्त कर रखी है, इसलिए इसके ऊपर आप सदिश नहीं लगाओगे। मैं बार बार हर स्टेप में आपको बताऊंगी जब तक आपकी याद नहीं हो जाता, क्योंकि नई चीज है ना आपके सामने। तो यहाँ पर जब एकांक सदिश साथ लग जाता है तो आप इसके ऊपर सदिश नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो ये वेग का सूत्र बन गया। इसका बन गया वेग का। अब देखो मैं इसका दूसरे रूप में भी, मैं आपको हर एक स्टेप क्लियर करते हुए चल रही हूँ। यहाँ पर अगर अपन आई और जे साथ में नहीं लिखें, हमें हम आई भी नहीं लिख रहे, हम जे भी नहीं लिख रहे, तब उसको कैसे व्यक्त करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ए सदिश बराबर ए एक्स सदिश प्लस ए वाई सदिश। अब इस पर देखो क्या परिवर्तन किया मैंने, यहाँ पर सदिश लगा दिया ऊपर, लगाया ना, लेकिन जब जैसे ही मैंने सदिश लगाया मैंने आई कैप हटा दिया, हट गया ना आई कैप यहाँ से। इसी प्रकार यहाँ जे कैप भी हटा दिया। तो सदिश को हमने, दिशा को हमने अलग व्यक्त कर रखा था, उसको हमने हटा दिया और इसके साथ ही व्यक्त करके ऊपर सदिश लगा दिया। तो ये बात क्लियर हो गई आपके। अब इसका अगर आपको परिमाण ज्ञात करना है तो क्या करोगे? परिमाण के लिए क्या करोगे? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसा ये एकदम सेम जैसा अपने वेग के लिए किया था। परिमाण, परिमाण a बराबर अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये तो आपके सामने आ गया दिशा समीकरण एक, और ये आपके सामने आ गई परिमाण समीकरण दो। तो हमने वस्तु, किसी भी कण या किसी भी वस्तु की हमने स्थिति पढ़ी, हमने विस्थापन पढ़ा। स्थिति का मतलब क्या है? कोई कण कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है, उसको अपन कहेंगे। जैसे मान लो आप 8 बजे फिक्स 8 बजे आप कहाँ हो, वो आपकी स्थिति है। आप विद्यालय में हैं, आप घर पे हैं, या किसी शॉप पे हैं, या किसी मॉल में हैं, तो फिक्स एग्जैक्ट उसी समय आप कहाँ हो वो आपकी स्थिति है, उसको कहेंगे स्थिति सदिश। उसके बाद विस्थापन, विस्थापन की बात आते हैं तो आप ये कहोगे कि आप इतने समय में आप मॉल में थी, आप इसके आधे घंटे बाद आप घर पहुंच गई, तो आपने विस्थापन कितना हुआ? तो मॉल से आपके घर की सीधी दूरी, घूम के नहीं कि आप गलियों में घूमते हुए अगर घर पहुंचे हैं तो वो सारी सारी दूरी नहीं आएगी। विस्थापन होता है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की सीधी दूरी, ठीक है ना, घूमते हुए नहीं, तो वो हो गया विस्थापन। स्थिति आ गया, विस्थापन आ गया। अब आता है वेग। तो स्थिति में, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और इसी प्रकार त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जब भी अपन परिमाण याद करते हैं तो परिमाण के लिए यही सूत्र है, वो चाहे त्वरण हो, चाहे वो वेग हो, चाहे वो विस्थापन हो, किसी भी तरह का कोई भी सूत्र हो, ये वाला सूत्र अपन पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया सबके?
वेग ज्ञात करना, त्वरण ज्ञात करना, ये एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं कई बार। आप त्वरण ताश्रणी त्वरण लिखो, ताश्रणी त्वरण की परिभाषा उसका सूत्र लिखो, परिमाण ज्ञात करो, या औसत वेग, औसत वेग की परिभाषा लिखो, औसत त्वरण की परिभाषा लिखो। तो केवल आपको नाम बदलना है। औसत त्वरण के सीमांत मान को ताश्रणी त्वरण कहते हैं। अब यहाँ अगर वेग आ जाए कि भाई ताश्रणिक वेग किसे कहते हैं, तो परिभाषा में क्या चेंज हो जाएगा, इस त्वरण की जगह आप वेग कर दो, यहाँ इस त्वरण की जगह वेग कर दो, तो वो किसकी परिभाषा हो जाएगी, वेग की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है ना, एकदम सेम है सारे, एकदम एक जैसे हैं। केवल आपको वी की जगह ए लिखना है या ए की जगह आपको वी लिखना है। वेग पूछे तो वी लिख दो, त्वरण पूछे तो आप ए लिख दो। ठीक है, दोनों ही सदिश राशियां हैं, दोनों के साथ आई और जे आएगा। वहां पर वी एक्स लिखा था, यहाँ पर ए एक्स लिख रहे हैं। तो मेरी समझ से यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अगला बिंदु। किसी समतल में आप लोगों को अगर याद है तो आप लोगों ने 9th क्लास में न्यूटन की गति के समीकरण पढ़े थे। किसी को नहीं याद है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 11th में वो टॉपिक अपन दोबारा करेंगे। ठीक है ना, चिंता तो करनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब चीजें यहाँ दोबारा आएंगी, क्योंकि साइंस की स्टार्टिंग आपको 11th से करनी है। छोटे क्लासों में जो भी चीजें, जैसे वेग है, अब वेग की परिभाषा हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ विस्थापन की परिभाषा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। अब ये 11th स्टैंडर्ड की बातें थोड़ी है, वेग और विस्थापन नहीं है ना। ये छोटी क्लासों में आप पढ़ कर आए हो, स्थिति क्या होती है, विस्थापन किसे कहते हैं, ये 8वीं में भी होगा, 7वीं क्लास में भी होगा, पढ़ा है ना आपने। लेकिन हम यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से आपको साइंस की नींव जो है, जो साइंस के फंडामेंटल हैं, वो आपके क्लियर हो। सदिश राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ हैं, ये छोटी क्लासों में आ चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी अपन यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे मान लो इंटरेस्ट नहीं लेते छोटी क्लासों में, पढ़ते नहीं है, समझ नहीं आती उनमें कि क्या करना है। 11th में आने के बाद में वो थोड़े समझ जाते हैं, है ना, और उसके उनको साइंस की जो स्टार्टिंग से उनको पढ़ाई करनी है। तो अब से ही अगर आप लगातार शुरू से और ध्यान से आप वीडियो देखोगे और ध्यान से आप समझोगे उसको, तो एक एक बात, ये सारी चीज़ें छोटी क्लासों में केवल कुछ ही एक नए शब्द या नए सूत्र जो हैं वो यहाँ ऐड हो जाते हैं साथ साथ में। ठीक है ना, तो ये वेग और त्वरण वाली बात हमने पढ़ ली है। इसके बाद जो अगला हमारा जो नया टॉपिक है वो है किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। त्वरण समान है, त्वरण का मतलब आपको बताएगा, त्वरण का मतलब क्या है, त्वरण की परिभाषा अपन ने पढ़ी ना, त्वरण का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक तो होता है त्वरण, त्वरित होना, एक होता है मंदन। मंदन मतलब वेग कम होना। जैसे स्टार्टिंग में जब कोई भी वाहन को स्टार्ट किया जाता है, चलाना शुरू किया जाता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है ना धीरे धीरे। वेग पहले कम था, उसके बाद धीरे धीरे वेग उसका बढ़ा, तो वेग बढ़ने को पर कहते हैं कि वस्तु या वो गाड़ी त्वरित हो रही है। अगर वस्तु का वेग बढ़ता है तो अपन कहते हैं त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण धनात्मक होगा, या उसको अपन कहते हैं त्वरित हो रही है वस्तु, वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, तो इसको इसको तो अपन कहते हैं त्वरित होना या त्वरण का धनात्मक होना। दूसरी बात क्या आती है, मंदन। मंदन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप वाहन में सवार हैं, वाहन में बैठे हैं किसी भी वाहन में, और आप स्टार्ट हो गई आपकी गाड़ी और आप वेग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के बाद में क्या हुआ, जैसे मान लो मेन रोड आ गई, हाईवे आ गया, तो वेग कांस्टेंट चलता है,
वाहन कॉन्स्टेंट चल रहा है, फिर आपको कहीं रुकना है, गाड़ी को रोकनी है, तो आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे, लगाओगे ना, और अपने वेग को कम करोगे। वेग में कमी आना, वेग में कमी आने को क्या कहते हैं? मंदन। अगर अपन यूँ कहें कि एक वस्तु में मंदन हो रहा है, तो मंदन में अंत में क्या होगा? वह वस्तु रुक जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे मंदन हो रहा है, धीरे धीरे वेग में कमी हो रही है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह वेग जीरो हो जाएगा और वस्तु रुक जाएगी। तो मंदन में अंतिम वेग जीरो होगा, मंदन में अंतिम वेग जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि अंततः गाड़ी रुकेगी। और त्वरित में क्या होता है? वेग धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये तो है त्वरित होना, मतलब त्वरण धनात्मक, और त्वरण ऋणात्मक कब होता है? जब मंदन होता है, जब वेग में कमी आती है, तब अपन कहते हैं कि मंदन हो रहा है, या वेग ऋणात्मक है तो त्वरण ऋणात्मक है तो वेग में कमी हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ इसी त्वरण पर, अब एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण का मतलब क्या हुआ कि समान समय अंतराल में वेग में वृद्धि समान हो रही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हमने त्वरण की परिभाषा कर दी, ए बराबर डीवी बटा डीटी। डीवी का मतलब क्या है? वेग में अंतर। पहले वेग कितना था, अब वेग कितना है, ठीक है। एक घंटे में अगर एक किलोमीटर बढ़ा, एक किलोमीटर प्रति घंटा या एक किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से वेग लग रहा है, तो एक घंटे में उसका वेग मान लो एक किलोमीटर पर घंटा बढ़ा, तो वेग में वृद्धि कितनी हुई? एक हुई ना। कितने समय में? एक घंटे में। एक समय टी बराबर भी एक है और वेग में परिवर्तन भी एक है, तो त्वरण भी कितना जाएगा? एक जाएगा। आसान है ना। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, वेग में जो वृद्धि हो रही है, वो एक समान रूप से हो रही है। ऐसा नहीं कि कभी वेग बढ़ा दिया फिर कम कर दिया, फिर झटके नहीं लग रहे। कहने का मतलब है झटके नहीं लग रहे, एक समान वेग से स्मूथली उसका वेग बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे त्वरण समान। बात समझ में आ गई ना आपके? तो यहाँ न्यूटन की गति के जो समीकरण है वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। इसमें किसी समतल में जिसमें एक्स और वाई तल होता है, एक्स वाई तल में हम गति पढ़ेंगे, तो ये अपन कल करेंगे टॉपिक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।